आयनाइजेशन पोटेंशियल को आईपी से रिप्रेजेंट करता है आईपी और आयनाइजेशन एनर्जी आईई, तीन दोनों एक ही चीज़ है। आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो या फिर आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी से क्या मतलब होता है, देखो ध्यान देना। किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस शेल से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी की आवश्यकता है वो उसका आईपी कहलाता है। ध्यान देना क्या बोला, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस शेल से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वही क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसमें लिखना आप सबसे पहले, देखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम। समझ में आ रहा है यहां तक सबको, ठीक है। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस सेल से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी की आवश्यकता है वही उसका क्या होता है, आईपी होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, देखो इस तरह से देख सकते हैं। जैसे अपन किसी भी एक एटम की बात करें, ए गैस, इसके वैलेंस सेल से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इसके लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है, देख वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही ये बनेगा ए प्लस वन गैस वन इलेक्ट्रॉन, इसके लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है ये एनर्जी ही आईपी या फिर आईई कहलाती है। इसी एनर्जी को अपन कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि देखो जो इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे वो आइसोलेटेड गैसेस एटम से ही निकलना चाहिए, मतलब वो एटम हो, आइसोलेटेड एटम मतलब एटम ही हो और गैस हो। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि बनने वाला जो है वो भी आयन ही होना चाहिए और गैसेस होना चाहिए। आयन कौन सा, मतलब गैसेस आयन होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर आप ब्रैकेट में एक्वस लिख दिया तो भाई उसमें हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्लूड हो गई, फिर वो आईपी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, कट आउट है क्या किसी को, है नहीं? तो देखो मैं अभी यहाँ पर कुछ प्रोसेस लिख रहा हूँ, कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ, आपको उन रिएक्शंस को देखकर पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन आईपी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने यहां पर लिख दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द आयनाइजेशन पोटेंशियल, कौन सी रिएक्शन आयनाइजेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो फर्स्ट यहां पर लिख रहा हूं Na सॉलिड टू Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑप्शन Na गैस तो Na प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, नंबर थ्री देखो O2 गैस तो 2O प्लस वन प्लस टू इलेक्ट्रॉन गैस, नंबर फोर Cl गैस Cl प्लस वन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर फाइव Mg सॉलिड तो Mg प्लस टू गैस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर सिक्स
नंबर सिक्स देखो H2 plus 1 gas प्लस इलेक्ट्रॉन, और नंबर सेवन यहाँ पर ले लिया जैसे HE plus gas प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन IP को रिप्रेजेंट करे और कौन सी रिएक्शन IP को रिप्रेजेंट नहीं करे, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल को। करो देखो जल्दी से सॉल्व, करो सॉल्व इसको। कर लिया सबने, हो गया कर लिया ना। फर्स्ट आईपी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ सॉलिड आ गया। सेकंड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर एक कोस आ गया। थर्ड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए। ये कर रहा ही नहीं कर रहा? कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर आइसोलेटेड गैसेस एटम, एटम ही है आइसोलेटेड गैसेस, और बनने वाला प्लस वन ये भी गैस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर सॉलिड आ गया। ये क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल है, ये भी नहीं करेगा ना। ये करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि गैसेस एटम, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और बनने वाला भी गैसेस आयन हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो अपन ने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है वो क्लियर हो गई होगी। ध्यान देना, आइसोलेटेड गैसेस एटम ही होना चाहिए और बनने वाला भी क्या होना चाहिए? गैसेस होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर यूज किया जा सकता है, जैसे मैं नेक्स्ट प्रोसेस लिख कर बता रहा हूँ। देखो इधर ध्यान देना, जैसे अपन लिखा है कि Cl प्लस वन ये गैस, यहाँ Cl प्लस टू गैस, ये हो सकता है, ये हो जाएगा। रीजन क्या है? देखो एटम तो नहीं है लेकिन वन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है, जिससे रिमूव किया है वो आइसोलेटेड फॉर्म में ही, और गैस है, बनने वाला भी आइसोलेटेड फॉर्म में गैस है। इसको आप इंक्लूड कर सकते हो, इसको कर लोगे इंक्लूड, मतलब ये होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है क्या? नहीं तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। देखो हेडिंग डालना सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, या सक्सेसिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो सक्सेसिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, सक्सेसिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये कर लिया ना सबने, हो गया नहीं यहां तक? देखो सक्सेसिव का मतलब जानते हो ना? सक्सेसिव मतलब वन बाई वन, मतलब कंटिन्यू करोगे, ठीक है ना? तो देखो सक्सेसिव मतलब हो गया वन बाई वन, हिंदी में बोले तो क्रमागत, एक के बाद एक। तो देखो ध्यान देना, सक्सेसिव वैल्यू ऑफ आईपी का मतलब है किसी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यदि उनको अपन बारी बारी से निकाले तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकालते समय आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या आएगा, वही सक्सेसिव आईपी है, ठीक है ना? जैसे यहां पर समझने के लिए अपन एक केस लेते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो कि एक गैस ये एटम है, एक गैस इस एटम है, समझ में आ रहा है ना? अब इसमें से हमें वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो देखो यहां पर जितने एनर्जी की आवश्यकता है वो हो गया आईपी। आईपी एनर्जी देते हैं, क्या होगा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यहां पर क्या बनेगा, ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये होगा नहीं होगा? होगा ना। अब अपन ने क्या किया, ये आईपी फर्स्ट कहलाएगा। देखो अब हम इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो फिर एनर्जी दी, जितने एनर्जी देंगे, एनर्जी देते फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये क्या हो जाएगा, इसको तो यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया ना, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू गैस। एक इलेक्ट्रॉन फिर रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ये भी किस में आ जाएगा, प्लस टू में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फिर इसमें से अपन ने फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है ना, अभी इनको रहने देना, अभी आईपी मत लिखना आप कहीं पर भी, बाद में लिख लेंगे अपन, ठीक है ना, इनको रहने दो अभी। अब इसमें से फिर अपन ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए फिर एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देते यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये किस में आ गया, प्लस थ्री स्टेट में। समझ में आ रहा है ना? अब देखो इनका मतलब क्या होता है, देखो इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपन ने रिमूव किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है वो इसका फर्स्ट आईपी होगा। इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया,
इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ये बनेगा। अब इसके लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होगी वो इसका सेकंड आईपी होगा। ध्यान देना, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता है ना, सेकंड आईपी है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन इसका गया है, इसका गया है, इसका गया ना, इसका तो फर्स्ट गया है। इसका मतलब सेकंड आईपी जो होगा ना वो इसका होगा। जैसे यहाँ पर अपने लिखा आईपी टू, ये इसका सेकंड आईपी नहीं है, ये इसका सेकंड आईपी। इसी तरह से इसमें से जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वो थर्ड आईपी कहलाएगा। किसका? ए का। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे आईपी फर्स्ट, ये अपन ने लिखा ये फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए। ए का क्या होगा? ये फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखिए ये होगा अभी फर्स्ट आईपी ऑफ ए, फर्स्ट आईपी ऑफ ए ये होगा। समझ में आ रहा है? फिर अपन बात करें जैसे आईपी टू, देखो ये जो आईपी टू लिखा है ये आईपी टू किसका है? सेकंड आईपी ऑफ ए। समझ में आ रहा है ना? ये होगा सेकंड आईपी ऑफ ए। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखो तो इसमें से तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो ये फर्स्ट आईपी ऑफ ए प्लस भी कहलाएगा। ए प्लस का क्या होगा? फर्स्ट आईपी। तो सेकंड आईपी ऑफ ए और फर्स्ट आईपी ऑफ ए प्लस। अब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना? फिर अपन इसकी बात करें जैसे आईपी थ्री, आईपी थ्री, ठीक है ना? अगर आईपी थ्री की बात करते हैं तो क्या होगा? देखो आईपी थ्री इसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ए का थर्ड आईपी होगा, ठीक है ना? तो देखो ये होगा थर्ड आईपी ऑफ ए। समझ में आ रहा है? या देखो अगर मैं ए प्लस की बात करता हूँ तो इसमें से तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ही निकला है ना, तो सेकंड आईपी ऑफ ए प्लस। तो देखो ये होगा सेकंड आईपी ऑफ ए प्लस। या फिर किसकी बात कर सकते हैं? इसकी, इसका कौन सा होगा? फर्स्ट आईपी ऑफ ए प्लस टू। तो देखो फर्स्ट आईपी ऑफ ए प्लस टू। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं क्लियर है सबको? तो अब ये समझ में आ गया होगा, देखो सक्सेसिव आईपी का मतलब क्या है, ठीक है ना? अब देखो एक बात समझना, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, इधर देखो सोडियम की, देखो सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे ना, और इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है या नहीं? फिर अपन ने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन निकालते यहाँ पर बना भाई Na+, या मैं ऐसा करता हूँ एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, ठीक है ना? एल्यूमिनियम में कितने हो गए? 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या बन जाएगा? Al+1। Al+1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेकिन प्रोटॉन तो 13 ही है ना, अभी प्रोटॉन तो उतने ही होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे? 12 इलेक्ट्रॉन। इसमें से फिर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालते यहाँ पर A+2 हो गया। A+2 होते देखो अब भी प्रोटॉन तो 13 है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 11 है। एक इलेक्ट्रॉन फिर निकाल दिया, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर क्या बना? Al+3। यहाँ पर अब प्रोटॉन अब भी 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात समझना आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस केस में 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या बोला मैंने? इस केस में 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि यहाँ पर वही 13 प्रोटॉन केवल 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। तो प्रति इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? प्रति इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उस अट्रैक्शन के कारण न्यूक्लियस के पास में चले जाएंगे, तो साइज छोटी होगी, नहीं होगी? होगी ना? फिर अपन बात करेंगे कि यहाँ पर वही 13 प्रोटॉन केवल इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर अट्रैक्शन और बढ़ेगा, साइज और कम होगी। इसकी बात करेंगे तो 13 प्रोटॉन केवल 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर अट्रैक्शन और भी ज़्यादा, साइज और भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं Al की तुलना में बात करूँ तो A+ के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी ना, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया, यहाँ पर अट्रैक्शन और बढ़ गया,
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और भी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, होगी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर अगर इनका आईपी का कंपेयर करें तो भाई फर्स्ट आईपी कम होता है, सेकंड ज़्यादा होगा, थर्ड और भी ज़्यादा होगा। हाँ, करने का मतलब है सक्सेसिव आईपी की वैल्यू लगातार इनक्रीज होगी। क्यों होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखो हमेशा ऐसा होता है कि आईपी वन की तुलना में आईपी टू की वैल्यू ज़्यादा होती है, आईपी टू की तुलना में आईपी थ्री की वैल्यू और ज़्यादा होती है, आईपी थ्री की तुलना में आईपी फोर की वैल्यू और ज़्यादा होती है, और ऐसा कंटिन्यू चलता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो मैं यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको, जैसे आईपी एन की तुलना में आईपी एन प्लस वन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ वन है तो यहाँ टू, यहाँ टू है तो यहाँ पर थ्री। तो देखो ऑलवेज हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है ना। देखो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आई पी एन की वैल्यू आई पी एन प्लस वन के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो नेवर पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं होगा, नेवर पॉसिबल। करने का मतलब हमेशा क्या होगा, बाद वाले आईपी की वैल्यू पहले वाले आईपी से ज़्यादा ही होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बाद वाले पहले वाले आईपी की वैल्यू बाद वाले आईपी से ज़्यादा या उसके बराबर हो जाए। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है सबको, ये कर लो इसको नोट पहले। हाँ कर लिया सबने, हो गया ना। देखिए प्रॉब्लम शीट फोर्थ निकालो, प्रॉब्लम शीट फोर्थ। देख प्रॉब्लम शीट फोर्थ, प्रॉब्लम शीट फोर्थ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। देख क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम शीट फोर्थ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड देखना है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप। देख क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सेम है, अभी किया था ना पढ़ने। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट आयनाइजेशन पोटेंशियल, कौन से रिएक्शन आयनाइजेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, तरीका क्या बता रखा है, है ना। जो एटम है आइसोलेटेड गैसेस एटम हो, बनने वाला आयन भी क्या हो, आइसोलेटेड हो। तो देख इसमें कौन कौन से होगा, ए है क्या, क्यों, क्योंकि ए के अंदर एक्वस आ गया, एन ए प्लस आ गया। बी नहीं होगा क्योंकि बी में ऑटो मॉलिक्यूल आ गया। सी, सी नहीं होगा क्यों, क्योंकि सी में भी मॉलिक्यूल आ गया। डी, डी में मैग्नीशियम गैस है और बनने वाला मैग्नीशियम आयन वो भी गैस है, मतलब डी होगा। ई नहीं होगा क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम सॉलिड आ गया। हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख क्वेश्चन नंबर सेकंड, देख क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल देन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा है। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल देन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्या ऐसा संभव है। अभी लिखा है हमने कि हमेशा बाद वाले आईपी की वैल्यू पहले वाले से ज़्यादा होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पहले वाला आईपी बाद वाले से ज़्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन दे रखा है, देखो हीलियम, नियोन, मैग्नीशियम, नन ऑफ दिस। तो आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि ऐसा एलिमेंट संभव नहीं है जिसके लिए पहले आईपी की वैल्यू बाद वाले आईपी से ज़्यादा हो। कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको ये। देखो हेडिंग डालना फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो आईपी को प्रभावित करने वाले कारण, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये कर रखा है भाई नोट सबने, कर रखा है ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं आता। तो देखो हेडिंग डालना आप ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो आईपी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है ये देखना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात, आईपी क्या है, किसी स्पीसीज, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी,
तो यदि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी ज्यादा होती है, देखो ये मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आपको बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, वही आईपी है। अब देखो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन है या नहीं, इनके बीच में अट्रैक्शन है ना। अब देखो क्या होगा, जब इनके बीच अट्रैक्शन है तो अगर आप एनर्जी देते हो, आपने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी, दी गई एनर्जी इतनी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से मुक्त कर सके, फ्री कर सके, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सारा खेल किसका है, इस अट्रैक्शन का। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जितना अट्रैक्शन है ना, कम से कम उतनी एनर्जी की आवश्यकता है, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन इससे फ्री होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन से, तब जाकर यहाँ से बाहर निकलेगा। ये समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब देखो अगर किसी भी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास चला गया, मतलब इसकी साइज छोटी हो गई, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो आईपी बढ़ेगा। किसी भी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर चला गया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसको निकालने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, आईपी डिक्रीज होगा, होगा नहीं होगा? समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो यहाँ तक तो क्लियर है ना सबके, चलो एक एक फैक्टर देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले अपन बात करें जैसे साइज की, साइज देखो अभी अपन ने बात करी थी, अगर साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया, निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, आईपी ज़्यादा होगा, इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, साइज छोटी होगी तो आईपी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ गए, साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास चला गया ना, निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। देखो सेकेंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान देना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इलेक्ट्रॉन इन पे भी है, और सेल होंगे उनमें भी इलेक्ट्रॉन है या नहीं? क्या इन सभी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बराबर लगेगा? जितना अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है न्यूक्लियर का, क्या इस पर उतना ही है? इस पर कम है, इस पर और भी कम है या नहीं? तो कहने का मतलब है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग होता है। किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का जो भी अट्रैक्शन लगता है ना, वही उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अभी अपन आईपी की बात कर रहे हैं, तो आईपी के केस में आप कौन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे भाई? आप थोड़ी कहोगे कि नहीं मैं तो इसको बाहर निकालूंगा, आप थोड़ी निकाल सकते सर, आप तो एनर्जी दे सकते हो सिर्फ, निकलेगा तो मर्जी से। अब निकलेगा कौन सा, जो सबसे बाहर है। समझ में आ रहा है ना? तो आईपी के केस में अपने आप ही जब आप एनर्जी दोगे ना, तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उस पर लगने वाला न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे कम है। तो यहाँ पर बेसिकली अपन जो जेड इफेक्टिव देखते हैं वो केवल किसका देखते हैं, जो सबसे बाहर प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। कोई डाउट है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है सबको? ये जेड इफेक्टिव केवल किसका देखते हैं, जो सबसे बाहर के और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो अगर मान लो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ज्यादा अट्रैक्शन है तो इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। कुल मिलाकर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आईपी ज्यादा होगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव, क्लियर हो गया होगा? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट जाने पर साइज डिक्रीज होते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी सही। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट जाने पर साइज डिक्रीज होते हैं या मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि लेफ्ट राइट जाने पर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती है ना, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज जेड इफेक्टिव बढ़ गया और साइज छोटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट है नंबर थ्री, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट।
देखो स्केलिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है कम है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉन्स्टेंट काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं स्केलिंग कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं? स्केलिंग कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर इसका रिलेशन अपन किससे देखेंगे? स्केलिंग कॉन्स्टेंट से। कॉन्स्टेंट स्केलिंग कॉन्स्टेंट को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये होता क्या है, ध्यान देना इसका मतलब क्या है, देखो समझना। जैसे मान के चलो ये देखो आप कि ये यहाँ पर कोई एटम है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और भाई इधर भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है अभी अपन कुछ बात नहीं करें स्पेशली पर्टिकुलर एटम की, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब थोड़ी देर के लिए सोचना आप, जैसे स्पेशली तो मैग्नीशियम का ही केस हो गया क्योंकि अपन ने 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन मैग्नीशियम से मतलब नहीं, कोई सा भी एटम हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, अगर मान लो कि अंदर की ओर ये इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, जैसे समझो मैग्नीशियम का अगर एक केस लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 12 प्रोटॉन, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है या नहीं। अब देखो ध्यान देना, इस वजह से क्या होगा, अगर मान लो कि ये बीच में कोई इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, केवल एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होता, केवल एक इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होता मान लो थोड़ी देर के लिए, इन 12 प्रोटॉन का अट्रैक्शन सीधा सीधा इस पर लगता, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सीधा हो जाता 12, कितना हो जाता? जेड इफेक्टिव 12 हो जाता। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं मैं? फिर ध्यान देना, मैंने कहा कि अगर मान लो अंदर की तरफ ये कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, केवल इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता और प्रोटॉन सीधे सीधे 12 ही होते, इस पर 12 प्रोटॉन का सीधा अट्रैक्शन लगता नहीं लगता, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 12 कहलाता। समझ में आ रहा है? लेकिन अपन को पता है कि वास्तव में ऐसा नहीं है, अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन है तो अब इसका जो 12 प्रोटॉन का अट्रैक्शन इन सभी इलेक्ट्रॉन पे है, तो क्या अब केवल इस इलेक्ट्रॉन की बात करो तो इस पर 12 प्रोटॉन का अट्रैक्शन लगेगा? नहीं लगेगा, कम हो गया ना। किसकी वजह से हुआ कम? इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन में जितनी कमी हुई है वही सिग्मा होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? सिग्मा। कहने का मतलब जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव इक्वल देखो जेड माइनस सिग्मा, ये होता है, ये एटॉमिक नंबर है, ये क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अभी कैलकुलेशन नहीं करने अपन को इनके, कल एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखा हुआ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होगा, समझ में आ रहा है। और ये है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखो दोबारा ध्यान देना आप, समझना, अगर मान लो अंदर की ओर कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं तो 12 प्रोटॉन का अट्रैक्शन सीधा सीधा इस इलेक्ट्रॉन पे लगता, तो अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं तो सारा अट्रैक्शन इस पर लगता है ना, तो जेड इफेक्टिव कितना बताया मैंने? 12। करने का मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतना जेड इफेक्टिव होता, मतलब इस कंडीशन में सिग्मा जीरो हो जाता। लेकिन वास्तव में अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 12 प्रोटॉन का अट्रैक्शन इस पर थोड़ी लग रहा है। मान लो समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लो कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इस पर अट्रैक्शन केवल एक प्रोटॉन का लगा, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब कितने की कमी होगी? 11 की कमी होगी ना, लगना था 12 चाहिए था, 12 के स्थान पर कितना लग रहा है? केवल 1। इसका मतलब सिग्मा 11 है। अब क्लियर हो गया होगा सिग्मा का मतलब, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर एक बात समझना, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो सबसे पहले बात, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से लगता है। अब यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो गया ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो गया तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन एक कम अट्रैक्शन के कारण न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चला जाएगा, दूर चला गया तो उस पर अट्रैक्शन और कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है, तो आईपी की वैल्यू क्या होगी?
कम हो जाएगी। कुल मिलाकर आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं तो देखो इसमें हो गया ना आई स्क्रीन इफेक्ट ज़्यादा है तो आई पी कम होगा। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या मैं कहता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिग्मा, क्योंकि सिग्मा अपन को पता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। सिग्मा स्क्रीन इफेक्ट ज़्यादा है तो मतलब सिग्मा ज़्यादा है, सिग्मा ज़्यादा है मतलब आई पी क्या होगा, कम होगा। नहीं बेटा, सिग्मा ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का, रिपल्शन ज्यादा है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो गया इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, मतलब आईपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर यहां तक? अब देखो एक बात समझना है यहां पर, इधर देख लो, लिख लेना, देखो एक बात समझना अब यहां पर। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो फायदा होता है वो बेसिकली डी ब्लॉक में होता है, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में तो इसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है। क्यों नहीं है देखो समझना, जैसे सपोज करो थोड़ी देर के लिए अपन बात करें इसी की बात कर ले, जैसे अपन एक केस लेते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर केस की बात करते हैं तो प्रोटॉन्स की संख्या हो जाएगी ना इसमें। तो देखो एक पर्टिकुलर केस की बात करें, जैसे अपन ने बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1 होता है। फिर अपन ने बात, देखो इसको बना दो यहाँ पर, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट में 2 और सेकंड में 3, ये हो गया। फर्स्ट में तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। फिर अपन यहाँ पर बात करें, जैसे सपोज करो न्यून की या फ्लोरीन की बात कर लेते, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5 है, यानी देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना यहाँ पर। अब इसको बनाइए तो देखो ये होगा, ये फर्स्ट सेल केवल 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड के अंदर कितने है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब एक बात ध्यान देना, आप समझना है यहाँ पर, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से लगता है, उसी की वजह से लगता है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से लगता है। बोरोन में अंदर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन में अंदर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जब आप बोरोन से फ्लोरीन पर जाओगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट चेंज होगा क्या, अंदर की तरफ तो उतने इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर फर्क पड़ा क्या? बल्कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इनमें प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज हुई है, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 5 प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 9 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर है ना। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रति इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ गया भाई, अलग इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा है लेकिन प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब है न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जिससे आई पी की वैल्यू इंक्रीज होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूँ तो पी ब्लॉक में अंदर वाले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जाते, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कॉन्स्टेंट है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कॉन्स्टेंट रहेगी तो सिग्मा लगभग कॉन्स्टेंट हो गया, इसलिए यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस नहीं होता। यहाँ पर सिग्निफिकेंस बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ही होता है, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन की संख्या बढ़ने की वजह से तेजी से इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या? लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट अपन डी ब्लॉक एलिमेंट पर अप्लाई करें तो भाई वहां पर इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है ना, पहले यहां तक नोट कर लो आप एक बार, फिर आगे करते हैं। करो नोट, देखो कर लिया सबने, हो गया क्या, किसी कोई डाउट है क्या यहां तक? नहीं है ना, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्लियर है ना? अब देखो ध्यान देना, मैंने क्या बताया आपको कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिग्निफिकेंस डी ब्लॉक में काफी ज्यादा होता है। अब देखो डी ब्लॉक की अगर बात करें तो क्या होगा, इधर देखना सभी, जैसे अपन बात करें स्कैंडियम, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो यहां पर आर्गन,
3D1 4S2। फिर अपन इसका लास्ट एलिमेंट ले लेते हैं जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 3D10 4S2। देखो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन भरा है वो किसके अंदर भरा है? अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन भरा है। भाई डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? N-1 D, हो गया यहाँ पर, हो गया ना N-1 D 1 to 10, NS 0 to, बेसिकली 1 to 2, यही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो किसके अंदर जा रहा है? अंदर वाले सेल के अंदर, अंदर वाले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? अब देखो ध्यान देना, आप समझना इससे क्या होगा। जैसे मैंने यहां पर जो काम में आ रहा है केवल बना रहा हूं, देखो ये हो गया N-1D, ये कौन सा सेल हो गया? N-1D, और ये हो गया भाई NS, है ना? NS बेसिकली 2 लिख दी यहां पर, बेसिकली 2 आता है ये 1 2, तो कई कई पर चेंज होता है एक दो जगह, बाकी बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर आ गया NS2, या 1 to 2 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान देना, समझना, आप जो भी इलेक्ट्रॉन भरोगे वो किसके अंदर जाएगा? इसके अंदर जाएगा। तो देख इलेक्ट्रॉन जाने वाला इलेक्ट्रॉन अंदर वाले सेल में जा रहा है। अब देखो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी किसके अंदर? अंदर वाले सेल के अंदर। देखो समझना, जैसे ये अपन ने स्कैंडियम लिया, ये अपन ने स्कैंडियम लिया, ये टाइटेनियम लिया। स्कैंडियम के अंदर अगर बात करें अपन तो यहाँ पर है 3D1 4S2, यही है ना? जब अपन टाइटेनियम की बात करें तो 3D2 4S2, ये है या नहीं? तो करने का मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो अंदर वाले सेल में कंटेन इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा कि इस सेल के इलेक्ट्रॉन इस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बढ़ेगा ना, ये तो भाई रिपल्सन है। कौन सा रिपल्सन है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ये होगा, ठीक है ना? दूसरी बात, यहाँ पर अट्रैक्शन भी है इन इलेक्ट्रॉन के बीच, इनके बीच भी, इसके बीच भी, तो ये क्या है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, ये हो गया न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन का रिलेशन तो किससे होता है? जेड इफेक्टिव से। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है ये, उसका रिलेशन किससे? सिग्मा से है, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा हो रहा है मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। तो इसका रिलेशन किससे है भाई? इसका रिलेशन सिग्मा से है। समझ में आ रहा है यहाँ पे? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अब देखो ध्यान देना, समझना, लेफ्ट टू राइट जब अपन मूव करते हैं तो अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, डबल हो गया ना 1 से 2। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या तेजी से इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये रिपल्सन तेजी से इंक्रीज होगा। अंदर वाले सेल में रिपल्सन तेजी से इंक्रीज हो रहा है मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट तेजी से इंक्रीज हो रहा है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तेजी से, तो बढ़ने की वजह से ये सेल थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करेगा, मतलब इस ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करेगा, तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। कहने का मतलब सिग्मा अगर बढ़ता है तो अकॉर्डिंग टू सिग्मा साइज इंक्रीज होगी रिपल्शन की वजह। समझ में आ रहा है ना? और यदि मान लो कि लेफ्ट राइट जाने पर भी प्रोटॉन की संख्या भी इंक्रीज हो रही है, जैसे इसके अंदर तो 21 प्रोटॉन है, इसके अंदर 22 प्रोटॉन है या नहीं है? लेकिन एक बात ध्यान देना कि इसके अंदर 21 प्रोटॉन, इसके अंदर 22 प्रोटॉन है, प्रोटॉन केवल 21 से 22 इंक्रीज हुआ है, बहुत कम इंक्रीज हुआ ना भाई, केवल 21 से 22, जबकि यहाँ पर 1 से 2, यहाँ पर तो डबल हो गया। यहाँ पर डबल हुआ क्या? डबल होता तो 21 का 42 होता। इसका मतलब है प्रोटॉन की संख्या मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना इंक्रीज नहीं हो रहा जितना कि सिग्मा इंक्रीज हो रहा है।
समझ में आ रहा है ना। तो लेफ्ट राइट जाने पर यहाँ पर कुल मिलाकर जेड इफेक्टिव धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जबकि सिग्मा तेजी से इंक्रीज होगा। होगा नहीं होगा, सिग्मा तेजी से इंक्रीज होगा तो सिग्मा इंक्रीज होने के साथ आईपी डिक्रीज होता है, जबकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के साथ आईपी इंक्रीज होता है। भाई सिग्मा इंक्रीज होगा तो सेल रिपल्शन बढ़ गया, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो गया तो आईपी डिक्रीज होगा, और यदि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आईपी इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो लेफ्ट राइट मूव करने पर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ने की वजह से सिग्मा भी इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से मतलब सिग्मा भी इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर, लेफ्ट राइट जाने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट राइट जाने पर अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से सिग्मा भी इंक्रीज हो रहा है। हो रहा है ना, सिग्मा इंक्रीज होने की वजह से आईपी डिक्रीज होना चाहिए, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के साथ आईपी इंक्रीज होना चाहिए। तो दोनों अलग अलग ऑर्डर बता रहे हैं यहाँ पर। देखो ये कर रखा है नीचे वाला सबने, और देखो समझना इसमें भाई, जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट राइट मूव करने पर ये लेफ्ट पीरियोडिक टेबल लेफ्ट और राइट, देखो लेफ्ट राइट मूव करने पर अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के साथ सिग्मा भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तेजी से इंक्रीज हो रही है ना, मतलब सिग्मा तेजी से इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रोटॉन्स की संख्या इंक्रीज होने के साथ साथ जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, प्रोटॉन की संख्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, मतलब जेड इफेक्टिव धीरे धीरे इंक्रीज होता है। अब एक बात समझना, देखो अगर अपन साइज की आईपी की अगर बात करें तो आईपी प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव है, आईपी प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव है, और आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिग्मा है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो लेफ्ट राइट जाने पर भाई सिग्मा इंक्रीज हो रहा है, तो सिग्मा तो बोल रहा है कि सिग्मा के अकॉर्डिंग आईपी डिक्रीज होगा, क्योंकि इंक्रीज होगा तो आईपी डिक्रीज होगा। लेफ्ट राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट जाने पर आईपी इंक्रीज होगा। भाई सिग्मा के अकॉर्डिंग तो आईपी डिक्रीज होगा, भाई लेफ्ट राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, आईपी इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा इंक्रीज हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आईपी डिक्रीज होगा। लेकिन क्या एक साथ दोनों संभव है, एक ही होगा ना, तो कब कौन सा होगा, मतलब आईपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो डिपेंड करता है कि डोमिनेंट क्या है, इनमें डोमिनेंट क्या है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं, तो डोमिनेंट ऑर्डर के बेसिस पर अपन यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि आईपी का ऑर्डर वास्तव में क्या होगा, ठीक है ना। अगर अपन साइज की बात करें तो देखो साइज पर भी यही चीज लगेगी, इधर देख लो बाद में लिखना, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होगी, होगी ना, कि सिग्मा बढ़ता है तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर समझना, जैसे मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक की बात करो, इसके अपन बात करें, देखो ध्यान देना, लेफ्ट राइट जाने पर ऐसा और ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं कि लेफ्ट राइट जाने पर साइज इंक्रीज हो डिक्रीज हो, तो एक्चुअली होता क्या है, देखो समझना, जब आप इधर से इधर मूव करते हो, इधर से इधर, तो देखो होता क्या है, शुरू में इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 21 प्रोटॉन है ना, 21 प्रोटॉन अंदर वाले एक इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में तो काफी ज्यादा है, इसका मतलब है कि शुरू में डोमिनेंट जेड इफेक्टिव होता है। भाई लेफ्ट राइट जाने पर जेड इफेक्टिव धीरे धीरे बढ़ता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट तेजी से बढ़ता है, समझ में आ रहा है, लेकिन शुरू में प्रोटॉन की संख्या तो काफी ज्यादा है ना, इसका मतलब शुरू में डोमिनेंट होता जेड इफेक्टिव ही है, हाँ इंक्रीज तेजी से सिग्मा होता है, लेकिन डोमिनेंट क्या है, जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होगा तो लेफ्ट राइट जाने पर साइज इंक्रीज होगी डिक्रीज,
डिक्रीज, क्योंकि शुरू में तो जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है तो उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना। तो कहने का मतलब है कि जब आप स्किंडियम से मैग्नीज तक चलते हो तो उस कंडीशन में जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होता है। देखो यहाँ पर डोमिनेंट ही है, डोमिनेंट डोमिनेंट है भाई जेड इफेक्टिव किस पर, सिग्मा पर, इस पर डोमिनेंट है, इसलिए साइज का ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग आएगा, जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग। इसलिए अपन कहते हैं कि लेफ्ट राइट जाने पर यहाँ पर साइज डिक्रीज होती है, साइज क्या होते हैं डिक्रीज। जब हम यहाँ तक, क्योंकि अपन को पता है लेफ्ट राइट जाने पर जेड इफेक्टिव धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, सिग्मा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो बीच में जाते जाते ये सिग्मा जेड इफेक्टिव को बैलेंस कर देता है। भाई शुरू में तो डोमिनेंट ही है ये, लेकिन बीच में जाते जाते सिग्मा इतना बढ़ गया कि ये इस जेड इफेक्टिव के इफेक्ट को बैलेंस कर देता है। तो लगभग यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है ना। इसके केस में देखो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर जेड इफेक्टिव लगभग किसके बराबर, सिग्मा के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, साइज कॉन्स्टेंट हो जाती है लगभग, साइज क्या हो जाती है लगभग लगभग कॉन्स्टेंट क्यों होती है समझ में आया। फिर अपन जब लास्ट में चलते हैं यहाँ से यहाँ पर, तो देखो अब सिग्मा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब जेड इफेक्टिव ऊपर भी डोमिनेंट हो जाता है। तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट यहाँ पर हो गया भाई कौन, सिग्मा जेड इफेक्टिव पर डोमिनेंट है। अब देखो जब सिग्मा डोमिनेंट होगा, सिग्मा डोमिनेंट होगा तो साइज किसके अकॉर्डिंग चलेगी, साइज सिग्मा के अकॉर्डिंग, सिग्मा के अकॉर्डिंग साइज बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना, तो यहाँ पर साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज। अब क्लियर हो गया होगा, तो देखो अब ये आपके क्लियर हो गया होगा कि डी ब्लॉक में सिग्मा का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, टी ब्लॉक में क्यों नहीं, ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह एस ब्लॉक में भी नहीं था, क्योंकि वहां पर अंदर वाले सेल में थोड़ी इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। एस ब्लॉक और टी ब्लॉक में स्क्रीनिंग इफेक्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस दो ब्लॉक के अंदर, किसमें, डी में और एफ में। देखो एफ में, एफ में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो एन माइनस टू के अंदर भरे जाते हैं, एन माइनस टू एफ में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है ना, एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, एन माइनस टू एफ, वन टू फोर्टीन है ना, एन डी, एन माइनस वन डी, जीरो टू वन और एन एस टू। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हो काफ़ी अंदर वाले सेल में भरे जाते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन काफ़ी अंदर, इससे भी अंदर भरा जाएगा तो बाहर वाले सेल पर तो रिपल्शन कम हो जाएगा। इसलिए एफ ब्लॉक में क्या होता है कि सिग्मा की वैल्यू हमेशा ही काफी कम रहती है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन के काफी अंदर भरा जा रहा है, ठीक है ना। तो जब अपन लेंथेनाइट कॉन्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो बात करेंगे उसकी, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे, क्लियर है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में सिग्मा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बेसिकली किसके अंदर होता है, डी एंड एफ ब्लॉक में, क्लियर है ना। करो यहाँ तक कंप्लीट नोट, हो गया, कर ले सबने, कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं ना, क्लियर है सबके। देखो नेक्स्ट फैक्टर है पेनेट्रेशन पावर, नंबर फोर। देखो पेनेट्रेशन पावर, पेनेट्रेशन पावर, देखो पेनेट्रेशन पावर का जो रिलेशन है वो सीधा सीधा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ही होता है, ये समझो आप इसको। जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, न्यूक्लियस के पास में यहाँ पर एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, अगर मैं एन की वैल्यू कांस्टेंट कर दूँ तो ये माना जाता है, एन की वैल्यू क्या कर दे, कांस्टेंट, जैसे फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ, वैसे समझ में आ रहा है ना, तो ये होता है। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन एस के अंदर होता है तो उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो अपन कहेंगे पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा है। ध्यान देने, मैंने क्या बोला, यदि इलेक्ट्रॉन एस के अंदर है तो उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो अपन क्या कहेंगे, पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन यदि पी पी में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, पेनेट्रेशन पावर कम होगा। अब देखो अगर पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा है इसका मतलब अपन किधर शिफ्ट हो गए, इधर, इधर शिफ्ट हो गए, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा ना। तो कुल मिलाकर आईपी प्रोपोर्शनल होता है पेनेट्रेशन पावर, देख प्रोपोर्शनल पेनेट्रेशन पावर। और पेनेट्रेशन पावर की अगर बात करें, पेनेट्रेशन पावर, देख पेनेट्रेशन पावर
तो ये होता है देखो, एन एस के अंदर ज़्यादा होता है, पी में कम होता है, डी में और कम, और एफ में और कम, यदि एन की वैल्यू सेम हो तो। कोई डाउट है क्या तक? नहीं ना, क्लियर है? देखो नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, हाफ फील्ड और एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होते हैं, होते है नहीं होते? तो देखो हाफ फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल। अब देखो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि मोर स्टेबल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि मोर स्टेबल है, तो उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी नहीं होगी? होगी ना, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो आई पी ज़्यादा होगा नहीं होगा? होगा। इसका मतलब आई पी सबसे ज़्यादा किस में होगा? फुली फील्ड में। उससे कम किस में होगा? पार्शल हाफ फील्ड में। उससे भी कम किस में होगा? अदर के अंदर, मतलब पार्शली फील्ड में। तो देखो जो आईपी का ऑर्डर है वो होगा सबसे ज्यादा पुली फील्ड, सबसे ज्यादा पुली फील्ड, उससे कम हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, उससे भी कम किस में होगा? अदर या पार्शली फील्ड, पार्शली फील्ड। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए तो इस तरह से हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल यहीं पर लिख देता हूँ, आई पी जैसे यहाँ पर हो गया, देखो पी सिक्स, पी थ्री, पी टू। और भी केस देख सकते हैं, जैसे एफ फोर्टीन, एफ फोर्टीन, एफ सेवन और एफ टू ले लिया, जैसे इस तरह से। तो फुली फील्ड का आई पी हाफ फील्ड से ज़्यादा होता है, हाफ फील्ड का अदर से ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना? अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। अब एक बात समझना आप, देखो पीरियोडिक टेबल में अगर अपन लेफ्ट टू राइट मूव करें, देखो समझना, पीरियोडिक टेबल में यदि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आईपी जेड इफेक्टिव बढ़ता है, सिग्मा भी इंक्रीज होता है। लेफ्ट राइट इंक्रीज करते तो भाई पहले तो पार्शियली फील्ड आता है, फिर हाफ फील्ड आ जाता है, फिर पार्शियली फील्ड और फिर वापस फुली फील्ड आता ही नहीं आता। तो देख पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जबकि सिग्मा भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब देखो अगर सिग्मा के अकॉर्डिंग अपन देखें तो सिग्मा इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज होती है, जैसे आई पी डिक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग देखें तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से साइज डिक्रीज होगी, जिससे आई पी इंक्रीज होगा। सिग्मा के अकॉर्डिंग तो आई पी डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट जाने पर आई पी इंक्रीज होगा। और यदि अपन हाफ फील्ड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अपन को पता है क्या होगा कि पहले तो भाई पार्शियली फील्ड आ रहा है, जैसे पी वन पी टू इस तरह से, फिर बीच में हाफ फील्ड आ गया, अचानक आई पी बढ़ेगा, फिर अदर आ गए पी फोर, इस तरह से आई पी डिक्रीज होगा, फिर लास्ट में चलते पी सिक्स आ गया, फिर बढ़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर अलग आएगा। कहने का मतलब है अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग ऑर्डर बताते हैं। तो कहने का मतलब जो मेन या फाइनल रिजल्ट होगा आईपी का, वो इन सभी फैक्टर से अलग आएगा। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर फैक्टर को अपन कंसिडर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आईपी अलग आ रहा है, दूसरे को कंसिडर करते हैं तो आईपी का ऑर्डर अलग आएगा। इसलिए अपन किसी भी फैक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि कहाँ पर कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है उस पर डिपेंड करता है कि आईपी का ऑर्डर किस जगह पर कौन सा होगा, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर अपन को इनको फॉलो करना ही नहीं है, हम अलग ही तरीके से देखेंगे, ठीक है ना? क्लियर यहाँ तक? तो देखो जो आईपी का मेन ऑर्डर होता है, इस तरह से देखोगे आप, देखो आईपी, आईपी का जो ऑर्डर होगा वो देखो, एन की वैल्यू सेम होने पर आईपी का ऑर्डर पी सिक्स, पी पी सिक्स, पी फाइव, पी थ्री, पी फोर, पी टू, एस टू, पी वन और एस वन होगा। ये आईपी का ऑर्डर होता है। ध्यान देना क्या है, पी सिक्स, पी फाइव, पी थ्री, पी फोर, पी टू, एस टू, पी वन, एस वन। समझ में आ रहा है ना? आईपी का ये ऑर्डर होगा एन के वैल्यू सेम होने पर। समझ में आ रहा है? एन की वैल्यू सेम होने से मतलब है, जैसे मान लो टू पी सिक्स, टू पी फाइव, टू पी थ्री, हो गया ना, सभी में एन की वैल्यू सेम आ रही है ना, ये है।
देखो एक बात और ध्यान देना, देखो प्रत्येक पीरियड में इनर्ट गैस का आईपी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसका इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना हाईली स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो देखो इन ईच पीरियड ठीक है ना, देखो इनर्ट गैसेज हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आईपी। देखो प्रत्येक पीरियड में इनर्ट गैस का आईपी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं ना। अब देखो ध्यान देना, आप समझना। देखो अगर हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 के बात करें ना भाई, एक भी एक्सेप्शनल केस नहीं, अप टू डाउन जाने पर आईपी लगातार डिक्रीज होता है। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप नंबर 15, 16, 17 के बाद में लिखा हुआ विषय में। तो देखो इन ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 एंड 18 इन ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 देखो अपन बात करें, देखो ऑन मूविंग अप टू डाउन इस तरह से लिख देता हूं, देखो अप टू डाउन। अगर हम देखो इन ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 में ऊपर से नीचे मूव करें तो आईपी की वैल्यू कंटिन्यूस डिक्रीज होती है। देखो आईपी की वैल्यू डिक्रीज होती है, देखो कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, नो एक्सेप्शनल केसेस। बाकी के अंदर कई पर एक्सेप्शनल है, कई कई पर तो अपन अलग से बात करेंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब देखो प्रत्येक पीरियड में इनर्ट गैस का आईपी क्या सबसे ज्यादा है। अब इनर्ट गैस भी तो ग्रुप नंबर 18 में आ गया ना, इसका मतलब अप टू डाउन जाने पर आईपी डिक्रीज होगा। इसका मतलब जैसे अपन को हीलियम और नियॉन का कंपेयर करना है तो ऊपर कौन है भाई? हीलियम है, तो हीलियम का आईपी ज्यादा है, फिर नीचे लेकर कम, उसके नीचे और कम होगा, कंटिन्यूस डिक्रीज होगा, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये ऑर्डर आपको कब फॉलो करना है? जब एन के वैल्यू सेम हो। समझ में आ रहा है ना? अब देखो इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो ये कर रखा है सबने, कर रखा है ना? देखो यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? देखो इधर देखना सभी, जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। जैसे यहां पर अपन ने केस लिया, देखो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये ले लिया फ्लोरीन और नियोन, ये ठीक है ना। देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। देखो लिथियम का क्या है, 1s2 2s1 2s1, इसका 2s2, इसका 2p1 2p2 2p3 2p4 है, यानी 2p5 और 2p6 यही है ना, ठीक है। n की वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही? देखो इनमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन अभी और निकाल देता हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ समझ में आ जाएगा अपने आप ही। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालता हूँ तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लिथियम में तीन है ना, 1s2 2s1, अब एक को निकाल दिया तो कितने बचे, केवल दो, 1s2, अब क्या होगा 1s2, इसमें से एक निकालेंगे तो 2s1 होगा, इसमें से एक निकालेंगे तो देखो 2s2 ही बचेगा, एक निकालते ही आ जाओगे आप, तो इसका होगा 2s2, फिर 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5, समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान देना, अभी आईपी का ऑर्डर चाहिए इनका। तो देखो आईपी में देखो फर्स्ट आईपी भी होता है, सेकंड आईपी भी होता है, और भी होता है, थर्ड भी होता है ना था। तो अगर आपको आईपी फर्स्ट चाहिए, इसका मतलब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा, इसी में से जाएगा। इसका मतलब है कि आईपी फर्स्ट चाहिए तो इसका ऑर्डर देखोगे आप। लेकिन अगर आईपी सेकंड चाहिए तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें से थोड़ी जा रहा है, सेकंड इसमें से जा रहा है ना, तो आईपी सेकंड के लिए आप इसका ऑर्डर देखोगे इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर होगा आईपी सेकंड, ये होगा। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है ना? अब देखो समझना, हमें इसको अरेंज करना है जो तरीका आपको बताया ना उसके अकॉर्डिंग।
तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आईपी का ऑर्डर क्या है भाई, एन की वैल्यू सेम होने पर P6, P5, P3, P4, P2, S2, P1 और S1 ये ऑर्डर है। समझ में आ रहा है ना, कट आउट तो नहीं किसी को, ये आईपी का ऑर्डर है। अब देखो ध्यान देना, इसको अरेंज करना है आईपी फर्स्ट में। आईपी फर्स्ट की फॉर्म में अरेंज करोगे तो आप क्या देखोगे, ये देखोगे सबसे ज्यादा आईपी किसका है, P6 किसका आ रहा है, नियोन का, तो नियोन आएगा। फिर उसके बाद P5 पर फ्लोरीन है, फिर P3 पर नाइट्रोजन है, फिर P4 पर ऑक्सीजन, फिर P2 पर कार्बन, फिर S2 पर बेरिलियम है यानी, और P1 पर क्या है, बोरोन है, फिर S1 पर क्या है, लिथियम है। अब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है सबको। अब आपको IP2 का ऑर्डर चाहिए, IP2 का ऑर्डर देखो, IP2 का ऑर्डर चाहिए तो आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा, नीचे वाले में इसमें से जाएगा ना, करने का मतलब आप अब इनको अरेंज करोगे इसके अकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देना, जब आप यहां पर तो देखो ये तो कभी अप्लाई करते हैं जब एन की वैल्यू सेम हो, यहां पर सब में एन की वैल्यू सेम है लेकिन इसमें तो नहीं है ना, और 1s2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं, तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई हीलियम का, और हीलियम इनर्ट गैस हो गया भाई। यहां पर तो देखो ये, अगर मैं इसकी बात करता तो लास्ट में इनर्ट गैस नियोन आती सेकंड पीरियड में, लेकिन इसकी बात करूंगा तो फर्स्ट पीरियड हो गया तो नियोन के भी ऊपर चला गया, इसका तो आईपी नियोन से भी ज्यादा होगा, करने का मतलब है हीलियम आ गया ना, इसका आईपी तो सबसे ज्यादा होना है, तो सबसे ज्यादा आईपी तो किसका हो गया भाई, हीलियम का। हीलियम के रेस्पेक्ट में कौन है यहाँ पर, लिथियम है ना, तो सेकंड आईपी सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का होगा। समझ में आ रहा है, अब बाकी को अरेंज करूंगा तो बाकी में नॉर्मल केस है, सभी में 2-2 आ रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देख P6 अभी है ही नहीं ना, तो क्या है P5 किस पर आ रहा है, देखो P5 नियोन पर आ रहा है, उसके बाद P3 किस पर आ रहा है, ऑक्सीजन पर, P3 के बाद P4 किस पर आ रहा है, देखिए यहाँ फ्लोरीन, P4 के बाद देखो P2 यहाँ से देखो किस पे, नाइट्रोजन, P2 के बाद S2 किस पे आ रहा है, बोरोन, S2 के बाद P1 किस पे आ रहा है, देखो यहाँ देखो आप कार्बन, P1 के बाद S1 किस पे आ रहा है, बेरिलियम। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा करना क्या है, कोई डाउट है किसी को, नहीं समझ में आ रहा है सबको। देखो इसी तरह से जैसे अपन बात करें, देखो इसकी जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इसकी अगर बात करें तो क्या होगा, देखो समझना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1, फिर यहां पर 3s2, फिर 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6, ये है या नहीं है, ये है ना। अब देखो ये तो फर्स्ट आईपी के लिए देखोगे आप, लेकिन सेकंड आईपी चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा ना पहले, जैसे यहां पर किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम करते यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर 2p6 मतलब नियोन आ जाएगा, यहां पर 3s1, 3s2, यहां पर 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, वही जो ऊपर किया है वही कैसे, देखो ये कोई रूल नहीं है कि आईपी ऐसे आता है, ये अपन ने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आते हैं ना उससे एक तरीका निकाल लिया कि आप ऐसे कर लेना। समझ में आ रहा है, कट आउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो जैसे आपको आईपी फर्स्ट का ऑर्डर चाहिए, आईपी फर्स्ट इसका ऑर्डर चाहिए, तो आईपी फर्स्ट के लिए किसको देखोगे, ये तो आईपी फर्स्ट के लिए इसे देखना है, और आईपी सेकंड के लिए नीचे वाले को देखना है। आईपी फर्स्ट का ऑर्डर चाहिए तो तरीका वही है ना जो ऊपर किया है, वही है। सबसे पहले किसको लिखोगे, P6 को, तो देखो P6 आर्गन, फिर P5 पर क्लोरीन, फिर P3 पर फॉस्फोरस, फिर P3 के बाद P4 सल्फर, फिर P2 सिलिकॉन, फिर S2 मैग्नीशियम, S2 के बाद में देखो P2 S2, P1 एल्यूमिनियम और S1 सोडियम।
सॉरी ये हो गया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो P6 P5 P3 P4 P2 S2 P1 S1 ये आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये हो गया भाई आईपी फर्स्ट का ऑर्डर। अब आपको आईपी सेकंड का ऑर्डर चाहिए। देखो आईपी सेकंड के लिए किसको अरेंज करोगे, नीचे वाले को। तो देखो यहाँ से यहाँ पर जो ये है ये तो नियोन का आ गया ना, नियोन का आईपी। अब देखो समझना, ये थर्ड है, अगर इसको खत्म करते हैं अपन थर्ड वाले को तो लास्ट में आर्गन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर चलते हैं तो नियोन आ रहा है। नियोन तो आर्गन से भी ऊपर है, नियोन का आईपी ज्यादा होगा आर्गन का, नियोन का होगा ना, इसका मतलब सबसे ज्यादा आईपी। तो सेकंड आईपी किसका हो गया, इसका। ये किससे संबंधित है, सोडियम से, मतलब सोडियम का सेकंड आईपी सबसे ज्यादा होगा। तो देखो ये हो गया सेकंड आईपी किसका, सोडियम का। क्लियर है सबको? अब देखो बाकी तो केस नॉर्मल है, बाकी केस नॉर्मल है तो P6 है ही नहीं, तो क्या देखोगे P5 P5 के बाद P3 सल्फर, फिर P4 क्लोरीन, P4 के बाद P2 फॉस्फोरस, H2 एल्यूमिनियम, P1 सिलिकॉन, S1 मैग्नीशियम। लेकिन इस केस में एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर, देखो क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये कोई रूल नहीं कि आई पी ऐसे होता है। ये तो अपन ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है उसके बेसिस पे अरेंज कर दिया, ठीक है ना, ताकि याद रखने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर वेरिएशन आ रहा है यहाँ पर सेकेंड आई पी के केस में, फर्स्ट में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर वेरिएशन है, देखो इस जो तरीका बताया उसका एक्सेप्शनल है। देखो एक्सेप्शनल केस, देखो आईपी का जो ऑर्डर है वो ये है, यहाँ पर सेकेंड आईपी आईपी 2 का ऑर्डर है, क्लोरीन की आईपी सल्फर से ज्यादा है, वो आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी। सेकेंड आईपी फर्स्ट में कोई वेरिएशन नहीं है, तो केवल देखो आपको यहाँ चेंज करना है। तो एक बार तरीके से आपको पता चलेगा, आपको केवल यहाँ पर चेंज करके देखना है, और कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं। तो दोबारा लिख देता हूँ मैं, देखो आईपी 2 का जो ऑर्डर है, बाकी में ये नहीं है ऑर्डर, ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। आईपी 2 का ऑर्डर ये है, देखो इसको काट देता हूँ, ये ऑर्डर है। देखो सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद देखो पहले क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये ऑर्डर है आईपी सेकंड का। का यहाँ पर सोडियम के बाद आर्गन, अच्छा एल्यूमिनियम लिख दिया मैंने, आर्गन इसमें सही लिख रखा है ना, क्या क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या? तो कैसे अरेंज करना है समझ में आ गया होगा, मैंने करो देखो इसका नोट। ये कर लिया क्या सबने, हो गया? किसी को कोई डाउट है क्या नहीं है ना? तो देखो आपको जो तरीका बता दिया आपको उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करना है, समझ में आ रहा है ना। देखो इधर देखो सभी, देखो अगर अपन बात करें पीरियोडिक ट्रेंड की तो देखो किस तरह से चेंज होगा, ध्यान देना। देखो पीरियोडिक ट्रेंड देखो, ध्यान देना, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होगी, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इसके अकॉर्डिंग आईपी इंक्रीज होता है। आईपी क्या होता है, इंक्रीज। देखो पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन मूव करने पर साइज इंक्रीज होती क्यों होती है, क्योंकि सेल की संख्या बढ़ती है ना, साइज इंक्रीज होने से जेड इफेक्टिव डिक्रीज, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो आईपी क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन भाई वेरिएशन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल केस है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो विद सम एक्सेप्शनल केसेज। इसी तरह से वेरिएशन यहाँ पर नीचे भी है, वेरिएशन यहाँ पर देखो विद सम एक्सेप्शनल केसेज। दोनों ही जगह पर कुछ ना कुछ वेरिएशन है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब देखो यहाँ पर जो वेरिएशन देखने को मिल रहा था, अभी अपने ऑर्डर अरेंज किया था नहीं किया, तो देखो लेफ्ट राइट में अपन ने देखा था कि जो आईपी का ऑर्डर है वो क्या रहा था, आईपी का ऑर्डर
देखो क्या रहता है, एन की वैल्यू कॉन्स्टेंट होने पर पी सिक्स पी फाइव पी फोर पी थ्री है ना, पी थ्री पी फोर पी टू एस टू पी वन एस वन, ये ऑर्डर आ रहा था। तो देखो चेंज हो रहा है मेरा एक्सेप्शनल कैसे बीच बीच में, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब देखो इसी में आप हेडिंग डालना, सबसे पहले इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन, इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन कॉन्ट्रक्शन देखो ध्यान देना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन की वजह से आईपी की वैल्यू चेंज होती है। देखो समझना, ध्यान देना। देखो स्कूटर यामा लाओ ऐसे, देखो लेंथेनाइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेंथेनम के बाद होते हैं ना स्टार्ट। तो देखो लेंथेनम के बाद में हाफ नेम आता है ना, ला हफ्ता एच एफ, ठीक है ना। और यहाँ पर बीच में इसी ग्रुप में 14 लेंथेनाइड आते हैं, आते नहीं आते 14 लेंथेनाइड आते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक, एटॉमिक नंबर 58 टू 71 तक, 58 पर सीरियम है 71 पर ल्यूटेशियम है। तो कहने का मतलब है जब आप लेंथेनम से एच एफ पर आते हो तो बीच में 14 लेंथेनाइड निकल गए ना, 14 लेंथेनाइड निकल गए, तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अचानक तेजी से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ने के कारण क्या होता है कि इनका जो आई पी है किसका, एच एफ का, वो आई पी बाकी एलिमेंट से ज़्यादा होने के चांस बन जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहां से यहां पर आने पर 14 लेंथेनाइड बीच में निकल गए, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ चुका ना, यहां से यहां पर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो आई पी इंक्रीज होगा नहीं होगा। इसीलिए जनरली क्या होता है कि जो फिफ्थ, देखो 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनके आई पी 3D और 4D सीरीज के एलिमेंट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर देखो ये कौन सी सीरीज के एलिमेंट है 5D के, यहाँ पर ये 3D के आएंगे, इसके बाद 3D के, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो ये हो गया। देखो यहाँ पर कौन सी सीरीज के एलिमेंट है 5D, यहाँ पर 3D के, 4D के और यहाँ पर 3D के आएंगे। तो देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन की वजह से 5D सीरीज के एलिमेंट का आईपी 3D से भी ज़्यादा हो जाता है, जबकि अप टू डाउन जाने पर आईपी क्या होता है, कम होता है ना। तो जो आईपी होता है इनका वो बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो देखो जो आईपी का ऑर्डर है, आईपी का ऑर्डर वो यहाँ पर क्या होगा, देखो 5D का सबसे ज़्यादा, उससे कम किसका 3D का, और उससे कम 4D का, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मली ऑर्डर होगा ना 3D 4D अप टू डाउन डिक्रीज, समझ में आ रहा है। तो आईपी का ये ऑर्डर होता है, लेकिन भाई इसमें भी एक्सेप्शनल केस है, कंटिन्यूस सब एलिमेंट पर ही अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर भी क्या है, विद सम एक्सेप्शनल केसेज, एक्सेप्शनल केसेज, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आईपी का ऑर्डर आपको कैसे याद रखना है, ठीक है ना। ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो आईपी का ऑर्डर किस प्रकार से वेरी कर रहा है उसके बाद बात कर लेते हैं। ये कर लिया सबने, हो गया नहीं यहां तक। देखो हेडिंग डाला आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ वेरियस ग्रुप एलिमेंट, वेरियस ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप एलिमेंट्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ वेरियस ग्रुप एलिमेंट। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट ए की, फर्स्ट ए, सबसे पहले अपन बात करें फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स की, ठीक है ना। देखो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स के केस में आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू किस प्रकार से वेरी करते हैं। देखो फर्स्ट ए कहाँ से शुरू होता है, हाइड्रोजन से शुरू हो गया ना, हालांकि हाइड्रोजन तो गैस है लेकिन शुरू वहाँ से हो गया, वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखो ह ली ना करे रब से फरियाद। अब इधर देख लो, बाद में लिखना। देखो अप टू डाउन जाने पर आईपी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, आईपी की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन भाई यहाँ पर वेरिएशन है,
यहाँ पर क्या है, वेरिएशन है। आईपी की वैल्यू सीजीएम की इससे भी कम होती है, समझ में आ रहा है ना। आईपी की वैल्यू सबसे कम किसकी होती है, सीजीएम की होती है। देखो रीजन वही है, ये अगर अपन बात करें भाई सीजीएम तो पहले आता है और ये बाद में आता है, ये सिक्स पीरियड का है, ये सेवन्थ पीरियड का है। तो जब आप सिक्स पीरियड से, देखो सिक्स पीरियड से घूमते हुए जब सेवन पर आओगे, आते बीच में फोर्टीन लेंथ एंड एड निकल गया ना भाई। आप सिक्स पीरियड में हो अभी, अब सिक्स पीरियड में आपने सीजीएम से चले, सीजीएम से चले गए यहीं पर आ गया फोर्टीन लेंथ एंड एड, फोर्टीन लेंथ एंड एड आने की वजह से बहुत ज़्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ गया ना। अब यहाँ से ये खत्म हो गया, अब आप सेवन्थ में चलोगे, तो कहने का मतलब सेवन्थ पर ही आपके ये आ गया प्रिंसिपल। तो जब आप इससे इस पर पहुंचे तो बीच में फोर्टीन लेंथ एंड एड भी तो पड़े हैं, उनके उनकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी इंक्रीज होता है, इसी की वजह से इसका जो आई पी है ना प्रिंसिपल का वो बढ़ जाता है, इतना बढ़ता है कि इससे ऊपर चला जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो भाई ये चेंज किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू लेंथ एंड कंस्ट्रक्शन, समझ में आ रहा होगा। देखो ये हो रहा है ड्यू टू लेंथ एंड कंस्ट्रक्शन है ना, आप चाहो तो पूरा लिख लेना लेंथ एंड कंस्ट्रक्शन, ड्यू टू लेंथ एंड कंस्ट्रक्शन। किसी को कोई डाउट है क्या, डाउट है क्या किसी के यहाँ तक, नहीं ना, ड्यू टू लेंथ एंड कंस्ट्रक्शन उसकी वजह से ऐसा होगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है सेकंड ए, सेकंड ए कहाँ से स्टार्ट होता है, बेटा से ना, बेरिलियम से ना। तो देखो बेटा मांगे कार है ना, स्कूटर बाप राजी, देखो ये है ना। लेकिन यहाँ पर भी चेंज है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बी ए का कम है आर ए का ज़्यादा है, रीजन अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आर ए उसके बाद बी ए होता है, ये चेंज होने का रीजन है वही है बिल्कुल सेम, ड्यू टू लेंथ एंड कंस्ट्रक्शन। यानी आपको जो शीट दे रखी है ना प्रॉब्लम शीट फोर्थ, उसके अंदर भी ये ऑर्डर लिखे हुए है, ठीक है ना, उसके अंदर भी लिखे हुए। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना। देखो इसके बाद कौन सी सीरीज है, देखो ग्रुप नंबर थ्री स्केंडम वाला, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ग्रुप थ्री कर देता हूँ, या थर्ड भी लिख सकते हैं, ग्रुप नंबर थ्री लिख देता हूँ, ग्रुप थ्री मतलब डी ब्लॉक का केस आ गया, तो इसके हो गया ना डी ब्लॉक का केस आ गया। देखो ग्रुप नंबर थ्री में स्केंडम, देखो स्कूटर यामा लाओ ऐसे, देखो यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर है आईपी का, नॉर्मल ऑर्डर। देखो रीजन क्या है, क्योंकि लेंथ एंड कंस्ट्रक्शन का जो इफेक्ट होता है ना वो इसके बाद वाले एलिमेंट पर होता है, लेंथ एंड कंस्ट्रक्शन का इफेक्ट के किसके, क्योंकि लेंथ एंड लेंथनम के बाद आता है, पहले थोड़ी आता है। यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर है आयनाइजेशन पोटेंशियल का, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब देखो स्केंडम के बाद इधर देखना, स्केंडम के बाद टाइटेनियम आएगा, फिर देखो कंटिन्यू कर दो, स्केंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, ठीक है ना, अभी मत लिखना, क्रोमियम मैग्नीज है ना, मैग्नीज फिर आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। अब देखो इसमें एक बात ध्यान देना, आप एक तो आपको ध्यान रखना है किसका, टाइटेनियम का, टाइटेनियम में एबनॉर्मल ऑर्डर आता है भाई। अगर लेंथ एंड कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑर्डर क्या आएगा, 5D, ऑर्डर क्या आएगा 5D 3D 4D, ये तो अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। नॉर्मल ऑर्डर की बात करें तो अप टू डाउन डिक्रीज होता है, जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा है, किसी किसी केस में ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो गया, डिक्रीज नहीं हो रहा बल्कि इंक्रीज हो रहा है, और किसी केस में ऐसा भी हो रहा है कि ऑर्डर किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा, ना तो कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है ना कंटिन्यू डिक्रीज हुआ है, ना लेंथ एंड कंस्ट्रक्शन का फॉलो कर रहा है, ऑर्डर बिल्कुल ही चेंज आ रहा है। ऐसा केवल एक केस है, वो कौन सा है, टाइटेनियम वाला ग्रुप। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइटेनियम वाले ग्रुप के अंदर क्या है आईपी का ऑर्डर। देखो टाइटेनियम इसको पहले पूरे को लिख दो, ये केस हो गया, ठीक है ना, अब लिख सकते और ठीक है। अब यहाँ पर जो आईपी का ऑर्डर है, इसमें आईपी का ऑर्डर देखो, आईपी का ऑर्डर ये है, आईपी सबसे ज्यादा है भाई टाइटेनियम का, ठीक है ना, उससे कम देखो ये 3D ये 4D ये 5D,
ठीक है ना, 5D का इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर इतना इंक्रीज नहीं होता कि टाइटेनियम के आगे चला जाए, यहाँ पर थोड़ा सा इसका कम रहता है इसका HF का, फिर उसके बाद आता है जड़ा। तो देखो एबनॉर्मल हो गया ना, ये किसी को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो ऑर्डर कौन सा हो गया? ये एबनॉर्मल है। 5D का IP इतना इंक्रीज नहीं हुआ कि यहाँ पर आगे आ जाए। हाँ, इनमें टाइटेनियम और HF में अपन कंपेयर करें तो IP में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 0.5 का ही डिफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन है ज्यादा किसका? टाइटेनियम का। तो यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर है क्या? नहीं ना। कौन सा है? एबनॉर्मल ऑर्डर है। देखो ये हो गया एबनॉर्मल ऑर्डर। एबनॉर्मल मतलब ये ना तो लेंथेनेट कंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, ना ही किसी अदर केस को ये फॉलो कर रहा है। ऑर्डर कौन सा हो गया? एबनॉर्मल हो गया। समझ में आ रहा है ना? और अगर आप RF भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका इसके बाद में आएगा। RF इसी ग्रुप में है ना, एक और एलिमेंट रदरफोर्ड, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है, अब देखो समझना आप। एक तो केस वेनेडियम वाला, क्रोमियम वाला और निकल वाला, ये तीन ग्रुप, इनमें जो ऑर्डर है ना वो रिवर्स है। रिवर्स का मतलब अप टू डाउन डिक्रीज होता है ना, लेकिन यहाँ पर अप टू डाउन इंक्रीज हो रहा है। समझ ले, समझना, ध्यान देना। पहला केस तो कौन सा हो गया? स्किंडेम वाला। स्किंडेम वाले में तो नॉर्मल है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अलग से लिख देता हूँ। देखो स्किंडेम वाले में तो क्या है? नॉर्मल ऑर्डर है। फिर अपन बात करें टाइटेनियम वाले की, यहाँ पर ऑर्डर क्या है? एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल, ठीक है ना। फिर अपन बात करें, देखो वेनेडियम, क्रोमियम और निकल, इन तीन वाले केस में देखो वेनेडियम, क्रोमियम और निकल, इनमें ऑर्डर रिवर्स है, मतलब अप टू डाउन डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब इसके अलावा जो भी बचे हैं ना, कौन कौन से बचे हैं? देखो क्रोमियम तक हो गया, कौन से बचे? मैग्नीशियम वाला ग्रुप, मैग्नीशियम के, सॉरी मैग्नीशियम तो MN, मैग्नीज वाला, आयरन वाला, कोबाल्ट वाला और निकल हो ही गया यहाँ पर, कॉपर और जिंक वाला। इनमें जो ऑर्डर है वो अकॉर्डिंग टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन, किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन। करने का मतलब वही 5D का ज़्यादा है, फिर 3D 4D, समझ में आ रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं, ये नॉर्मल वाला हो गया एक ही कैसे, एब नॉर्मल वाला ये भी कर लिया। अब कौन सा अपन रिवर्स वाला ले ले, रिवर्स वाले में कौन कौन से है? वेनेडियम, क्रोमियम और निकल वाला केस। तो देखो वेनेडियम वाले में इधर देख लो सभी, वेनेडियम वाले की अगर बात करता हूँ तो कौन से? देखो ओ नवाब तन्हा, ये जस्ट अपोजिट चलना है आपको। देखो रिवर्स मतलब अप टू डाउन इंक्रीज हो रहा है, करने के लिए सबसे ज्यादा होगा किसका? TA का, उससे कम NB, उससे कम वेनेडियम। फिर नेक्स्ट कौन सा है? क्रोमियम वाला। क्रोमियम में कौन कौन से है? देखो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन है ना, कर्मोज वाइप संग, ये क्लियर यहाँ तक? तो देखो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। तो देखो सबसे ज़्यादा टंगस्टन, उसके बाद मॉलिब्डेनम, फिर क्रोमियम। एक कौन सा बताया? निकल वाला। निकल में कौन कौन से है? देखो निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। देखो सबसे ज़्यादा किसका होगा? प्लेटिनम, फिर पैलेडियम, उससे कम निकल। ये रिवर्स वाले केस हो गए। क्लियर हो गया होगा? इनमें ऑर्डर क्या है? अरे वर्ष है, समझ में आ रहा है। अब देखो बाकी जितने भी बचे उनमें कौन सा अकॉर्डिंग टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन। अब देखो अकॉर्डिंग टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन, देखो कौन सा है? एक तो मैग्नीज है, आ गया ना। मैग्नीज वाले देखो एलिमेंट कौन से? MN TC, ये RE, MN TC RE। तो देखो ये तो कौन सा है? 3D 4D 5D, सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा? 5D का। 5D पर क्या है? RE है। तो देखो RE, अब उसके बाद 5D, फिर 3D, 4D, 3D पर MN, 4D पर TC, तो यहाँ पर होगा MN और फिर TC, ये समझ में आ गया। फिर आयरन वाला है ना, उसमें कौन है? आयरन, रोथेनियम, ऑस्मियम, सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑस्मियम का। तो देखो ऑस्मियम फिर नॉर्मल है, FE और RU। उसके बाद कौन सा है? कोबाल्ट वाला है ना, कोरियर, कोरियर हो गया ना। तो देखो सबसे ज्यादा इरिडियम,
इरिडियम से कम कोबाल्ट और फिर रोडियम RH, फिर निकल वाला तो आ ही चुका है, अब कौन सा है कॉपर वाला, ठीक है ना। तो देखो ये यहाँ पर लिख दो ना, इधर इसको कर देना, ये अकॉर्डिंग टू आप लिख लेना, अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड एड कॉन्ट्रक्शन लिख। इसके बाद कौन सा है क्या, कोबाल्ट के बाद निकल वाला लिख लिया, कॉपर वाला, कॉपर वाले में देखो कौन कौन से है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो पहले कौन आएगा गोल्ड, उसके बाद कॉपर सिल्वर, कॉपर और सिल्वर, फिर लास्ट में बताए जिंक वाला, जिंक कैडमियम मरकरी, सबसे पहले कौन आएगा मरकरी, मरकरी के बाद कैडमियम, मरकरी के बाद देखो जिंक कैडमियम, जिंक और कैडमियम, ये सीडी, ये किसके अकॉर्डिंग आ रहे, अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड एड कॉन्ट्रक्शन, देखो अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड एड कॉन्ट्रक्शन, लेंथ एंड एड कॉन्ट्रक्शन, ये समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर अब क्लियर हो गया होगा आपको क्या करना है। देखो फर्स्ट ए और सेकंड ए के केस में केवल लास्ट के दो एलिमेंट जा रहे हैं ना, इनमें वेरिएशन है, बाकी कोई वेरिएशन नहीं है, अप टू डाउन नॉर्मल डिक्रीज होता है। फिर डी ब्लॉक में अपन बात करें तो स्कैंडियम वाले में कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है ना। अब बात करें अपन आगे में, देखो टाइटेनियम वाले में एबनॉर्मल ऑर्डर है, टाइटेनियम वाले में एबनॉर्मल है, वेनेडियम क्रोमियम और निकल वाले में रिवर्स है, बाकी सब में अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड कॉन्ट्रक्शन है, हो जाएगा यादव, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म, अब कौन सा पी ब्लॉक पर चले, अब किसकी बात करें पी ब्लॉक पर, तो देखो क्या होगा, ये कर रखा है नोट वाले, देखो पी ब्लॉक में देखो आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन बात करें जैसे ग्रुप नंबर 13 की, ग्रुप नंबर 13 की देखो, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13, देख ग्रुप नंबर अगर 13 के अपन बात करते हैं तो देख कौन कौन से है इसमें, देखो बैंगन आलू गाजर इन थैला, यहां तक ले लो, लास्ट वाला रेड एक्टिव छोड़ दो उसको, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, पीरियड की बात करें तो 2, 3, 4, 5, 6 है, यानी 6 पीरियड में लेंथ एंड एड आते हैं ना, तो यहाँ पर लेंथ एंड एड कॉन्ट्रक्शन पड़ेगा, लेंथ एंड एड कॉन्ट्रक्शन की वजह से इनका आईपी इतना इंक्रीज होता है, इतना कहाँ चला जाता है, बोरोन के जस्ट नीचे, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू लेंथ एंड एड कॉन्ट्रक्शन। अब एक बात ध्यान देना, ग्रुप नंबर 3 के अंदर क्या डी ब्लॉक, इस पीरियड 3 के अंदर क्या डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ग्रुप 4 से। अब देखो जब आप ग्रुप नंबर 5 से 6 पर आते हो ना, पीरियड 5 से 6 पर आते हैं, तो 6 पर आते ही लेंथ एंड एड आ जाते हैं, आते नहीं आते भाई, 6 में ही तो है लेंथ एंड एड। इसी तरह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट है 4th पीरियड में, तो जब आप 3rd पीरियड से 4th पीरियड पर आएंगे तो बीच में 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के बढ़ जाते हैं। भाई ये समझा, जैसे देखो ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में सबसे पहले लिथियम है, लिथियम से आप गए बोरॉन पर, फिर 4th के अंदर लिथियम सोडियम पोटेशियम, केवल इनको ले ले, देखो सोडियम यहाँ पर चलोगे आप, यहाँ पर देखो कौन सा आएगा सोडियम, सोडियम का देखो एल्यूमिनियम यही है ना, इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ से आप चलोगे तो यहाँ पर क्या बैंगन आ लो गाजर, यहाँ पर गाजर आ गई है, ठीक है ना। अब देखो समझना आप, यहाँ पर ये 4th पीरियड है, पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम, तो यहाँ पर देखो पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम और स्कैंडियम से जिंक, ये 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा है नहीं आए, तो करने का मतलब है जब आप इससे इस पर आओगे ना, इससे आप इस पर आओगे तो बीच में इन 10 एलिमेंट को पार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ जाओगे, यहाँ से पीरियड खत्म होगा, उसके बाद ये आओगे, फिर ये बीच में आएगी, फिर यहाँ पर पहुँचोगे, पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे। तो जिस तरह से लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रक्शन पड़ा है, उसी तरह से डी कॉन्ट्रक्शन होता है यहाँ पर, इसी तरह से क्या होता है डी कॉन्ट्रक्शन की वजह से भी इसका आईपी बढ़ेगा ना, लेकिन आईपी यहाँ पर डी कॉन्ट्रक्शन बहुत कम होता है, इतना नहीं होता जितना कि लेंथ एंड कॉन्ट्रक्शन होता है, इसलिए आईपी बढ़ता है लेकिन कम बढ़ता है, इतना आईपी बढ़ता है कि इसका आईपी इतना हो जाए, लेकिन इससे कम रहेगा, इसका तो और भी ज्यादा बढ़ गया,
ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू डी कॉन्ट्रक्शन, समझ में आ रहा है? नहीं, ड्यू टू डी कॉन्ट्रक्शन, डी कॉन्ट्रक्शन, ये समझ में आ गया होगा। डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट कौन है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन डोमिनेंट है किस पर? डी कॉन्ट्रक्शन पर, डी कॉन्ट्रक्शन। आप पूरा लिख लेना, एक तो डीसी करंट समझ जाओ ना, है ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन और डी कॉन्ट्रक्शन। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। तो देखो इस केस में अगर अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर ग्रुप में? नहीं, ग्रुप नंबर 13 में सबसे ज्यादा तो किसका है भाई? बोरोन का है ना। बोरोन के बाद देखो, बोरोन के बाद यह जा रहा है थेलियम, उससे कम, उससे कम इसके बाद ये आ रहा है गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, ये तो ऊपर चली गया, फिर क्या आएगा? इंडियम, आयन। कोई डाउट है क्या किसी को? ये ग्रुप नंबर 13 का आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर होगा। अब देखो जैसे अपन लेफ्ट राइट मूव करते जाते हैं पी ब्लॉक में, ये इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। डी कॉन्ट्रक्शन तो लगभग खत्म ही हो जाता है, थोड़ा बहुत ही बचता है, थोड़ा बहुत बचता है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता आगे के केसों में। लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन का इफेक्ट भी कम होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन का इफेक्ट कम होता है तो ग्रुप नंबर 14 में केवल इतना सा चेंज होता है कि यहाँ से यहाँ पर जाता है और उसके बाद तो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो 15, 16, 17, 18 पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, नॉर्मल ऑर्डर आता है। अप टू डाउन क्या होता है? आई पी डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है ना? ये कर लिया सबने, कर रखा है ना? देखो समझना आप यहाँ पर, देखो नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 40, ग्रुप नंबर 40, ठीक है ना। देख ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो क्या होगा यहाँ पर, समझना। देखो आईपी, देखो कहे सीता जी सुनो प्रभु, यहां तक लिख ले, लास्ट का छोड़ दे। देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर शिफ्ट होता है, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन। क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे जैसे अपन इधर शिफ्ट होते जाते हैं ये इफेक्ट धीरे धीरे क्या होता जाता है? कम। तो यहाँ पर इतना सा इफेक्ट पड़ता है कि यहाँ पर केवल इतना पहुंचता है, जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट था, यहाँ पहुंच गया। समझ में आ रहा है ना? तो देखो आईपी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? देखो आईपी, आईपी का ऑर्डर होगा कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, लेड और टिन, ये ऑर्डर होगा। यहाँ पर ये चेंज हुआ है इसकी वजह से, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? नहीं ना। उसके बाद देखो ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 कोई वेरिएशन नहीं है, नॉर्मल ऑर्डर है। तो देखो नेक्स्ट है ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर 14, 14 तो गया ना, 15, 16, 17 एंड 18 कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। देखो नो एक्सेप्शनल केसेज, नो एक्सेप्शनल केसेज, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। आईपी की वैल्यू क्या होती है? कंटिन्यूस डिक्रीज होते। देखो आईपी इज कंटिन्यूसली डिक्रीज, कंटिन्यूसली डिक्रीज ऑन मूविंग, इस तरह से लिख लेना। देखो ऑन मूविंग, ऑन मूविंग अप टू डाउन, अप टू डाउन इन द ग्रुप, इन द ग्रुप, ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज कंटिन्यूसली डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज कंटिन्यूसली डिक्रीज, कंटिन्यूसली डिक्रीज। क्लियर यहां तक? तो देखो ध्यान देना, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ठीक है ना। ऑन मूविंग अप टू डाउन इन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज कंटिन्यूसली डिक्रीज, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती, कोई वेरिएशन यहां पर नहीं है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब देखना चाहिए तो अपन देख सकते हैं, जैसे आईपी नाइट्रोजन फैमिली में कौन है? देखो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी, बिंदास, बस यहां तक देखो। क्लियर यहां तक?
देखो आईपी ऑक्सीजन फैमिली में कौन है, ओल्ड स्टाइल से टी पो लवी है ना, क्यों लिया तक देख लो। देखो नेक्स्ट हेलोजन फैमिली में देखो पेर कल बाहर आया ऑटो टैक्सी ना, क्यों ऑटो तक ही लिख लो। देखो नेक्स्ट कौन सा है एनर्ट के सेच, देखो आईपी का ऑर्डर हीरो ने आकर 6 रन और बनाए ना, चाहिए तो अपन ओगेशन भी लिख सकते हैं, आप यहां तक लिख लो केल यह होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से सब क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप के अंदर आईपी का ऑर्डर किस प्रकार से चेंज होता है। देखो पीरियोडिक के अंदर जो बेसिकली क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं वो मैंने बताया वहां तक के, क्लियर यहां तक? किसी को डाउट है क्या? देखो इसके अतिरिक्त आप इस चीज को लर्न करना, देखो ये पीरियोडिक टेबल जो प्रॉब्लम शीट 4th है ना, प्रॉब्लम शीट 4th में देखो नीचे दे रखा है, एक आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ 4th पीरियड एलिमेंट, देखो आप पेज नंबर 3 पर दे रखा है ना आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ 4th पीरियड एलिमेंट। आप इस सीरीज को भी आईपी के ऑर्डर में इसी के साथ नोट कर लो नीचे, ठीक है ना, आप इसको और लर्न कर लेना, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बताए उसके अकॉर्डिंग सब हो जाएगा, है ना। तो इसको भी नोट कर लो साथ में, जो दे रखा है उसको कर लो नोट। हाँ ये कर लिया सबने, हो गया ना? किसी को कोई डाउट है क्या तक? नहीं ना। तो किसी ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल किस प्रकार से वेरी करता है, कर लोगे क्वेश्चन? अब इसके आ जाएंगे तो कर लोगे ना सब। चलो देखो देखो ध्यान देना, देखिए पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट जो 2 एलिमेंट होते हैं, प्रत्येक ग्रुप के पहले जो 2 एलिमेंट होते हैं उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल में मैक्सिमम डिफरेंस होता है। ध्यान देना मैंने क्या बोला, पीरियोडिक टेबल में प्रत्येक ग्रुप के जो 2 एलिमेंट होते हैं, प्रथम 2 एलिमेंट, उनके आईपी में मैक्सिमम डिफरेंस होता है, मतलब बाकी सबसे ज्यादा। जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन एंड लिथियम पहला 2 एलिमेंट है यानी ग्रुप के, तो आईपी में ज्यादा डिफरेंस होगा। अब मैंने बात करी इनर्ट गैसेज की, जैसे हीलियम या नियोन पहले 2 एलिमेंट है, आईपी में ज्यादा डिफरेंस होगा, समझ में आ रहा है? उसके बाद वाले में फिर क्या होता है, कम होता है। पहले 2 एलिमेंट के अंदर जो आईपी में डिफरेंस होता है वो लगभग 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी से ज्यादा होता है। कितना होता है? 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी से ज्यादा, 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी से ज्यादा, ठीक है ना। तो देखो लिखना आप इंपॉर्टेंट करके लिखना, देखो देखो नहीं, इन ईच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, इन ईच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, देखो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन आईपी। देखिए डिफरेंस होता है डेल्टा आईपी ग्रेटर देन 300 किलो जूल पर मोल, इससे ज्यादा का डिफरेंस होता है, समझ में आ रहा नहीं आता? अब देखो ध्यान देना, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, देखो हलीना करे यहां तक लिख लेते हैं सिर्फ, देखो इसी तरह से इस पीरियड में लास्ट में कौन आएगा, देखो हीलियम है ना, इसी तरह चीन की भी बात कर सकते हैं। देखो हीरो ने आकर, चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, लिख देता हूं चलो हलीना करे रब से, यहां तक लिख लेते हैं, और इसमें भी देखो तो हीरो ने आकर 6 रन, यहां तक देख लेते हैं, समझ में आ रहा है? तो देखो अगर मैं डेल्टा आईपी की बात करूं, देखो डेल्टा आईपी तो देखो ध्यान देना, डेल्टा आईपी किसकी, इन दोनों के आईपी का डिफरेंस की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हो गया आईपी हाइड्रोजन माइनस आईपी लिथियम,
भाई ऊपर वाले की ज्यादा है नीचे वाले की कम है ना, तो हाइड्रोजन के लिए लिथियम की घटा दो, ये जो डिफरेंस होगा ना ये ग्रेटर देन 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से देखो डेल्टा आईपी अपन बात करें यहां पर देखो आईपी हीलियम, ये हीलियम है ना, आईपी हीलियम और आईपी नियोन ये डिफरेंस में किससे है 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं किलो जूल पर मोल से ज्यादा होता है। अब देखो जैसे जैसे अपन अप टू डाउन मूव करते हैं ना ग्रुप में, अप टू डाउन मूव करने के साथ साथ ये डिफरेंस जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है ना। तो देखो ऑन मूविंग अप टू डाउन इन द ग्रुप ठीक है ना, डेल्टा आईपी एच डिक्रीज। देखो ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता जाता है, कम। जैसे पहले दो के अंदर जितना है उसके बाद वाले दो में उतना नहीं, उससे डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना जो लास्ट वाला ग्रुप है ना इनर्ट गैसेज का, इनमें अप टू डाउन जाने पर डिफरेंस तो कम हो रहा है, अप टू डाउन जाने पर डिफरेंस तो कम हो रहा है, लेकिन किन्हीं भी दो के बीच का डिफरेंस देखोगे तो उसकी वैल्यू 300 किलो जूल पर मोल से ज्यादा ही है, 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी से ज्यादा डिफरेंस है, डिक्रीज जरूर हो रहा है, मतलब ज्यादा यहां पर कम हो गया, यहां पर और कम हो गया, इसलिए हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो इन केस ऑफ इनर्ट गैसेज देखो इनर्ट गैसेज के केस में क्या होगा, देखो डेल्टा आईपी फॉर टू एडजेसेंट एलिमेंट्स एडजेसेंट इलेमेंट्स इज मोर देन 300 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब समझ में आ गया ना। देखो एडजेसेंट क्यों लिखा है अपन ने, क्योंकि पास पास वाले में कंपेयर कर रहे हो ना, इनमें इसलिए अपन ने इसके बात करी है ना। यहाँ पर फॉर एनी टू नियरेस्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल पास पास वाले, क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है क्या, है ना, नियरेस्ट ही कर ला नियरेस्ट, ये हो गया, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर बाकी केस में ऐसा नहीं है, जो इसकी बात करें यहाँ पर डिफरेंस 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी से तो ज़्यादा है, लेकिन जब बाकी में आप डिफरेंस की बात करोगे ना तो डिफरेंस काफ़ी कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज तो यहाँ भी हो रहा है कंटिन्यूस, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक दो के अंदर क्या है जो डिफरेंस है वो 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी से ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर केवल पहले दो के अंदर है, उसके बाद डिफरेंस 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी के बराबर नहीं रहता, बल्कि उससे क्या हो जाता है काफ़ी कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो एक बात ध्यान देना, आप समझना, जैसे अगर मैं कंपेयर करो जैसे डेल्टा आईपी ये लिखा है अपन ने हाइड्रोजन और लिथियम, इसका मतलब समझ गए ना, हाइड्रोजन लिथियम के आईपी में डिफरेंस, और एक केस लो में डेल्टा आईपी हीलियम नियोन, ये अगर डिफरेंस के बाद यहाँ भी मोर देन 300 किलो जूल, यहाँ पर भी मोर देन 300 किलो जूल, लेकिन अगर दोनों में आप देखो कंपेयर करोगे ये ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन लिथियम का सबसे ज़्यादा डिफरेंस है सक्सेस, मतलब पास पास वाले एलिमेंट में। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान देना, अगर इसके बाद की किन्हीं भी दो एलिमेंट को आप कंपेयर करते हो तो इधर तो हमने कहा है कि यहाँ पर तो डिफरेंस 300 से ज्यादा है, यहाँ पर भी डिफरेंस 300 से ज्यादा है, कंपेयर करोगे तो ज्यादा डिफरेंस इनकी तुलना में इसमें है, ठीक है ना। लेकिन फिर हमने क्या कहा, अप टू डाउन जाने पर डेल्टा आईपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है,
यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिफरेंस हमेशा 300 किलोजूल पर मोल एनर्जी से क्या ज्यादा है, जबकि यहाँ पर वही डिफरेंस काफी कम हो जाता है। इसका मतलब अगर बाद वाले एलिमेंट को जब आप कंपेयर करोगे तो डेल्टा आई पी इनके लिए कम होगी, इनके लिए ज्यादा होगी, क्योंकि इनमें तो डिफरेंस 300 से कम हो गया, जबकि यहाँ तो मेंटेन है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, जैसे अपन ने कंपेयर किया, सपोज करें इन दोनों को ले लें, जैसे डेल्टा आई पी कौन सा ले ले, लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम, तो अब डिफरेंस यहाँ पर कम है। देखो डेल्टा आई पी, डेल्टा आई पी नियॉन आर्गन, क्लियर हो गया होगा। फिर देखो बाद वाले में देखेंगे, जैसे डेल्टा आई पी, डेल्टा आई पी सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, देखो ये डेल्टा आई पी आर्गन क्रिप्टॉन, डेल्टा आई पी आर्गन क्रिप्टॉन, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये देखो कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आ रहा है ना? करो नोट, देखो इसको कर ले सबने, हो गया ना? किसी को कोई डाउट है क्या तक? नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, देखो आप हेडिंग डालना, देखो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आईपी, हेडिंग डालना मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आईपी, सक्सेसिव आईपी, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आईपी, ठीक है ना? देखो ध्यान देना, समझना इसमें आप। देखो जैसे अपन बात करें सोडियम, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखो यहाँ पर पूरा लिख रहा हूँ मैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यही है ना? इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालते सोडियम प्लस बनेगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, अब क्या बना? Na+2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 1s2, 2s2, 2p5, है या नहीं? ठीक है ना? अब देखो ध्यान देना, पहला जो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला वो इसमें से निकला है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का है, इनर्ट गैस है। सेकंड इलेक्ट्रॉन आप हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव कर रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, नहीं होगी? तो अगर मैं इसका, देखो फर्स्ट टाइप पे तो कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप इसमें से निकाल रहे हो 3s में से, लेकिन सेकंड आई पी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो, तो भाई ये तो IP2 हो गया और ये IP1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि IP2 और IP1 को कंपेयर करें तो IP2 IP1 से कहीं ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर क्या रहा है? मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है, मैक्सिमम डिफरेंस। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान देना, आप समझना, देखो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल 1। तो देखो एक बात दिमाग में फिक्स कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ना, 1 है, तो फर्स्ट और सेकंड में मैक्सिमम डिफरेंस होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ध्यान देना 1 है तो 1 और 2 में मैक्सिमम डिफरेंस है, 2 होता वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता तो 2 और 3 में मैक्सिमम डिफरेंस आता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते तो 3 एंड 4 में मैक्सिमम डिफरेंस आता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते तो 4 एंड 5 में मैक्सिमम डिफरेंस आता। क्यों आता है समझ गए होंगे, कोई डाउट है क्या? तो देखो जैसे नेक्स्ट केस यहाँ पढ़ ले हम, जैसे मैग्नीशियम, अब तो देखो डायरेक्ट ही लिख दो ना, मैग्नीशियम देखो नियॉन 3s2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब मैक्सिमम डिफरेंस किस में आएगा? आईपी सेकंड एंड थर्ड। तो देखो मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन IP2 एंड 3, IP3, समझ गए होंगे। देखो नेक्स्ट केस ले, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नियॉन, देखो यहाँ पर 3s2 3p1 कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पर आएगा? IP3 एंड 4th। तो देखिए यहाँ पर होगा मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन
IP3 एंड IP4 समझ में आ रहा है सबको। फिर नेक्स्ट केस ले जे सिलिकॉन ले लिया भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ne3S2 3P2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम डिफरेंस किस में आएगा, IP4 एंड 5 में। तो यहाँ पर होगा मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन IP4 एंड IP5। क्लियर हो गया होगा कैसे करना है सॉल्व, समझ में आ रहा है सबको। टेन करो नोट इसको देखो। सर ये डी ब्लॉक के जो अपने एलिमेंट्स हैं अपन को उसका लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन दोनों याद रखना है। हाँ याद तो दोनों रखना। तो जैसे सर अपन एग्जाम में दे रहे हैं तो अपन पहले स्टार्टिंग में लिख लें तो वो बढ़िया है ना। लिखने की जरूरत है, जिसकी जरूरत पड़े उसी को लिख लो सर, सबको पहले क्यों लिख रहे। अरे अब एक बार बताओ, जैसे अगर मैं ये सोचो कि पहले मैं पूरी पीरियोडिक टेबल को लिख के रख लो फिर पढ़ाऊंगा, जब बोर्ड तो उसी में भर जाएगा। जरूरत पड़े ना तब उसको लिखो ना। जैसे अपने को 14 ग्रुप की जरूरत पड़ी तो भाई 14 को ही लिखूंगा मैं, उसकी ट्रिक मुझे पता है ना। लिख लिया अपने कहे सीताजी सुनो प्रभु फल दो, अपन को जरूरत पड़ी। सपोज करो अपन को निकल फैमिली की जरूरत है, ठीक है ना, तो अपन उसी की बात करेंगे ना, पूरे को क्यों लिखेंगे, है ना। निकल है ना, पद्मा पीटर की दुश्मन, ये हो आपको टेबल दे रखी उसमें सबकी लिखी हुई है। अब मैं पहले तो पूरी को लिखो और फिर इसको छाटूंगा उसमें से, तो भी टाइम कितना लगेगा आप सोचो तो सही, ठीक है ना।